नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और मैंने इंस्टाग्राम पे अभी थोड़े दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैं रो रही थी। वजह मैं आपको बता देती हूँ। और सबसे पहले मैं आप लोगों से माफी मांगना चाहती हूँ कि इतने टाइम से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, तो उसके लिए आई एम सो सॉरी। रीजन मैं आपको बता देती हूँ कि मेरे ये जो हाथ का अंगूठा है राइट हैंड में, इसमें पस पड़ गई थी। और पहले मैंने सोचा कि दवाइयों से ये ठीक हो जाएगा, लेकिन दवाइयों से ये ठीक नहीं हो रहा था, पूरी तरह ठीक नहीं हुआ था। थोड़ा सा मतलब इसमें रह गई थी पस जो है, तो उसमें फिर डॉक्टर ने थोड़ा सा मतलब इसमें जो होता है ना, कट वगैरह लगाकर पस निकाली जाती है जिस तरीके से, तो वो इसमें किया था। और मुझे इतनी ज्यादा पेन हुई थी क्योंकि डॉक्टर ने सुन वगैरह कुछ नहीं किया और ऐसे ही कर दिया, क्योंकि डॉक्टर ने बोला ज्यादा पेन नहीं होगी, बट मुझे बहुत ज्यादा पेन हुई इसमें। और मेरे रोने से आपको अंदाजा भी हो गया होगा वीडियो में देखकर कि मुझे कितनी ज्यादा पेन हो रही थी। सच में काम भी नहीं हो पा रहा था, बट मैं बहुत ही लकी फील करती हूँ कि राज ने हर काम में आज तक सपोर्ट किया है, हर काम में हेल्प की है। तो राज ने और बच्चों ने बहुत साथ दिया है। और अभी ये जो अंगूठा है पहले से काफ़ी ठीक है, बट थोड़ा सा अभी भी रह गया है। 2-3 दिन में ये भी ठीक हो जाएगा। तो इस वजह से मैं जो है वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी, ना ही मैं शूट कर पा रही थी और ना ही मैं अपलोड कर पा रही थी। जब शूट ही नहीं की तो अपलोड तो क्या करना, तो उसके लिए आई एम सो सॉरी। बट अब से आपको रेगुलर मेरी वीडियो देखने को मिलेगी। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो मैंने अपने चैनल पर कुछ ऐसी क्रीम्स का भी रिव्यू शेयर किया हुआ है जो कि आपके डार्क स्पॉट और पिगमेंटेशन को दूर करने में हेल्प करती है। मतलब काफी सारी क्रीम्स का रिव्यू मैंने अपने चैनल पर शेयर किया हुआ है, तो उनका लिंक मैंने आपको आई बटन पर दे दिया है, चेक कर लीजिएगा इस वीडियो के बाद में। तो उसमें मुझे बहुत सारे आप लोगों के सवाल आए थे और इंस्टाग्राम पे भी मेल फीमेल सभी तरह के, मतलब जैसे कि मेरे फॉलोअर्स हैं, तो सभी मेरे फॉलोअर्स मुझसे एक सवाल ये जरूर पूछते हैं कि मैम प्लीज ऐसी कोई क्रीम बता दो जो कि परमानेंटली हमें गोरा बना दे, हमारी स्किन प्रॉब्लम जैसे कि डार्क सर्कल, पिगमेंटेशन, ब्लैमिशेस को कम कर दे या खत्म कर दे, ऐसी कोई क्रीम बताइएगा। तो जैसा कि आपने टाइटल में देखा होगा कि आज मैं ऐसी क्रीम का रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। साथ ही मैं आपको एक चीज बता दूं दोस्तों कि कोई भी क्रीम रातों रात गोरा आपको नहीं बना सकती है, कोई भी चमत्कार नहीं होता है। आज के टाइम की मैं अगर बात करूं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं अगर किसी क्रीम का रिव्यू शेयर कर रही हूं या कुछ आपसे शेयर कर रही हूं उस क्रीम के बारे में तो वो रातों रात आपको गोरा बना देगी। ऐसी कोई भी क्रीम आज तक नहीं बनी है मार्केट में और कि जो आपको रातों रात गोरा बना दे। और ना ही मैं ऐसा कोई दावा करती हूँ या वादा करती हूँ कि अगर कोई पर्सन डार्क है तो वो एकदम से फेयर हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। काफ़ी हद तक क्या होता है कि देखिए, खान पान जो आजकल की लाइफ स्टाइल है उसका कहीं ना कहीं हमारी स्किन पर, हमारे हेयर पर, नेल्स पर, हमारी बॉडी पर इफेक्ट पड़ता ही है। और अगर हमारा खान पान सही होगा, सही समय पर उठना, सही समय पर खाना, तो ये सब चीज़ें भी बहुत ध्यान में रखनी पड़ती हैं। अगर आप ये सब चीज़ें अच्छे से कर रहे हैं तो आपकी स्किन भी ग्लो करती है और साथ ही आपको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है। क्योंकि अगर आप ज़्यादा देर तक लेट नाइट तक जागते हैं तो आपको डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम होने लग जाती है, कई बार एक्ने वगैरह ये सब चीज़ें होने लग जाती है स्किन में। तो इसलिए और चीज़ों का भी आपने साथ में इसमें ध्यान रखना है। जब आप इस क्रीम को इस्तेमाल करेंगे तो आपको इसका रिजल्ट तो मिलेगा ही, लेकिन आपको और भी चीज़ें जैसे कि स्किन केयर रूटीन जो है अपना रेगुलर फॉलो करना है। अपनी स्किन केयर रूटीन को कभी भी स्किप मत कीजिएगा, चाहे आप कोई भी क्रीम यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो अपनी स्किन केयर रूटीन जो है वो आपने रेगुलर फॉलो करनी ही है। मैं आज जिस एलिना क्रीम के बारे में आपको बताने जा रही हूँ, इंस्टाग्राम पर इनका पेज है और जैसे ही इन्होंने जिस दिन मुझे कांटेक्ट किया था तो पहले तो मुझे भी बिलीव नहीं हुआ था, ट्रस्ट नहीं हुआ था, क्योंकि मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोचती हूँ कि कोई भी चीज़ आपको रातों रात गोरा बना देती है। लेकिन जब इन्होंने अपनी क्रीम की गारंटी दी कि आप खुद रिजल्ट हमें बताएंगे, सिर्फ 10 से 15 दिन आप इस चीज़ को इस्तेमाल कर देखिएगा, आप खुद रिजल्ट बताएंगे, तो पहले तो मुझे ट्रस्ट ही नहीं हुआ। फिर मैंने सोचा चलिए वैसे भी तो हम इतनी चीज़ें ट्राई करते हैं एज ए यूट्यूबर, एज ए इन्फ्लुएंसर, हम इतनी सारी चीज़ें ट्राई करते हैं तो चलो ये भी कर देख लेते हैं। और जैसे कि आप लोगों के सवाल भी बहुत आ रहे थे और आप लोग हमेशा पूछते भी थे कि ऐसी कोई फेयरनेस क्रीम बताइएगा, तो ये फेयरनेस क्रीम की मैं अगर बात करूं तो जितनी भी आपकी स्किन प्रॉब्लम है, डार्क सर्कल्स, ब्लेमिशेस, पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स की, तो उसको यस, ये काफ़ी हद तक कम करती है, आपके फेस को क्लीन करती है। मैं ये नहीं कहूंगी कि ये रातों रात गोरा बना देगी, हर चीज़ को यूज़ करने में थोड़ा सा टाइम तो लगता है और ये सभी स्किन टाइप वालों को सूट करेगी। इंस्टाग्राम पर इनका पेज मैंने मेंशन कर दिया है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं आपको लिंक दे दूंगी, तो आप चेक कर लेना एक बार। और
जब इन्होंने मुझे कांटेक्ट किया, मैंने इनकी क्रीम को इस्तेमाल करना शुरू किया, अब 1 से 1.5 महीना हो गया है मैं इस्तेमाल कर रही हूँ इनकी क्रीम, मुझे खुद की स्किन में बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। तभी मैंने सोचा आज मैं इसका रिव्यू आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूँ कि मुझे इसका 100% रिजल्ट जो है वो मिला है, और तभी मैं आज इसका रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मुझे ये क्रीम पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है, और मैं भी कहीं ना कहीं ये मानती हूँ कि जिस प्रॉब्लम के लिए मैंने लिया था, यानी कि मेरे फेस पर पिगमेंटेशन बहुत ज्यादा हो गई थी और डार्क सर्कल्स हो गए थे, तो उसमें इसने काफी हद तक मेरी स्किन को क्लीन करने में हेल्प की है। और रेगुलर मैं अपना स्किन केयर रूटीन भी करती आ रही हूँ, और सबसे बड़ी बात है कि अपने खान पान का तरीका जो है वो सही रखें, जंक फूड ज्यादा ना खाएं, ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का ज्यादा सेवन करें, ज्यादा खाएं, और अल्कोहल वाली चीजों से दूर रहें, चाय कॉफी का सेवन ज्यादा ना करें। तो ये सब कुछ चीजें होती हैं जो आपको ये भी ध्यान में रखनी होती है, तभी आपकी जो स्किन है वो अंदर से भी क्लीन होने लगती है और उसका ग्लो आपके फेस पर भी नजर आता है। तो इन सब बातों का भी ध्यान जरूर रखना है आपने। तो अगर आपको कोई भी स्किन प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम पर इनसे मैसेज करके डीएम करके आप पूछ सकते हो, और अपनी स्किन प्रॉब्लम के अकॉर्डिंगली आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और बताकर मतलब अपनी स्किन प्रॉब्लम को आप इनसे क्रीम जो है वो ले सकते हैं, और शिपिंग चार्जेस वगैरह भी जो भी कुछ होगा वो आप इनसे कॉन्टैक्ट करके पूछ लीजिएगा, और आपको 1 वीक के अंदर जो है आपका पार्सल जो है वो मिल जाएगा। और देखिए वैसे भी तो हम तरह तरह के फेशियल्स में, इतनी तरह की बाजार में जो क्रीमें उपलब्ध है हम उसका यूज करते हैं, तो एक बार आप जरूर ये वाली क्रीम पर भी अपने पैसे इन्वेस्ट कर देखिएगा, आपके पैसे बेकार नहीं जाएंगे, ये चीज मैं कह रही हूँ, क्योंकि मैं अपने सब्सक्राइबर के पैसे वेस्ट नहीं होने देना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स के पैसे वेस्ट हो, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूंगी। अगर आप 10 रुपये भी किसी चीज में इन्वेस्ट करते हैं तो वो भी आपके पैसा वसूल होने चाहिए कि हमें अच्छी चीज मिली है। तो यहाँ पर तो जो प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो इनके सभी तरह के प्राइस में आपको ये क्रीम मिल जाएगी, क्योंकि क्या है कि आपकी स्किन प्रॉब्लम के अकॉर्डिंगली इनके पास जो क्रीम्स है वो अवेलेबल है, उपलब्ध है इनके पास क्रीम, तो उसके अकॉर्डिंगली ही इनके अलग अलग चार्जेस हैं। तो वो आप एक बार इनसे मैसेज करके पूछ लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपने इस क्रीम का यूज करना कैसे है। तो सबसे पहले मैं पैकेजिंग की अगर बात करूं तो नॉर्मल प्लास्टिक कंटेनर में आपको ये मिल जाती है। इसके ऊपर मतलब एक क्यूट सी गर्ल बनी हुई थी, वो मैंने जब इसका रैपर निकाला ना तो वो निकल गई थी। और क्रीम का टेक्सचर मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए कुछ इस तरीके से है, ये देखिए इसका हैंड वॉश भी मैं कर दिखाती हूँ। और खुशबू की अगर मैं बात करूँ तो ये हल्की सी इसमें खुशबू है, बहुत ज़्यादा तेज फ्रेग्रेंस नहीं है, बहुत ही लाइट सी फ्रेग्रेंस है। तो ये देखिए इसका टेक्सचर बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती है स्किन में, ये देखिए। और आपने रात को अपने फेस वॉश करने के बाद इसे लगाना है, अच्छे से अपने फेस को क्लीन कर लीजिए, कोई भी मेकअप वगैरह आपकी स्किन पर नहीं होना चाहिए, इस चीज का जरूर ध्यान रखना है। आपने इस क्रीम के साथ में और कोई चीज नहीं लगानी है, और बस आप अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लीजिए, और उसके बाद एक पैक की तरह आपने इसे अपने फेस पर लगाना है, जैसे कि मैं अभी आपको यहां पर लगाकर दिखाऊंगी। तो इस तरीके से आप अपने रात भर इस क्रीम को अपनी स्किन पर काम करने दीजिएगा, और अगले दिन आप फेस वॉश करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यह आपकी त्वचा को ग्लोइंग बनाती है, जी हाँ, स्किन में एक शाइन सी लेकर आती है। और इस टाइम भी आप देख सकते हो मैंने फेस पर कुछ नहीं लगाया हुआ है, और अभी डे टाइम में वीडियो शूट कर रही हूँ, कुछ नहीं लगाया हुआ है, हल्की सी शाइन आपको नजर आ रही होगी स्किन में। काफी स्किन इसने क्लीन की है, और डार्क सर्कल्स, डार्क स्पॉट यानी कि काले दाग धब्बे, एक्ने वगैरह के लिए, पिगमेंटेशन के लिए, ब्लेमिशेस के लिए ये क्रीम बहुत ही बेस्ट है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं दोस्तों, जो भी आपका स्किन का कलर है, जो नेचुरल जो है, उससे हमेशा प्यार कीजिएगा। और महंगी महंगी क्रीमों के चक्कर में कि बाजार में आप जानते ही हैं कि हजारों तरह के ब्रांड्स हैं, हजारों तरह के कॉस्मेटिक्स चीज़ें हैं, जो कि हम सोचते हैं कि हमें रातों रात गोरा बना देंगी, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो ऐसी चीज़ों में ना फंसे। लेकिन हाँ, ये आपकी स्किन प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक क्लीन करेगी, आपकी त्वचा को साफ करेगी, आपकी त्वचा की रंगत को निखारेगी। अगर आपकी शादी होने वाली है तब भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। और साथ ही जो मैंने स्किन केयर रूटीन बताई है वो भी जरूर कीजिएगा, और खान पान की जो चीजें हैं, आदतें हैं, उनमें भी सुधार कीजिएगा। ऐसे में आपको स्क्रीन का रिजल्ट है वो और अच्छा मिलेगा। तो इन चीजों का भी जरूर ध्यान रखिएगा। और हर इंसान अपने आप में खूबसूरत होता है, हर इंसान खूबसूरत है, चाहे वो डार्क है या फेयर है, हर इंसान खूबसूरत होता है। और आपका सबसे बड़ी बात है दिल खूबसूरत होना चाहिए। आई होप दोस्तों कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में जो बेल बटन है इसे प्रेस कर देना दोस्तों। लिंक मैंने इनकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, और इंस्टाग्राम का भी लिंक मैंने इसमें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो प्लीज़ आप एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। आप मुझे फॉलो कर सकते हो फेसबुक, इंस्टाग्राम, एमएक्स चकाटक पर भी। मैं आपसे मिलती हूँ और ज़्यादा हेल्पफुल वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।